अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WS क्रिएटिव गैलरी। सो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, क्या जवान नज़र आना ही औरत की ज़िंदगी का मकसद है। तो अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो न जाने क्यों आज मर्द और औरत हमेशा नौजवान रहने की फ़िक्र में है और दोनों किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या हमेशा जवानी ने किसी का साथ दिया है? जवानी और खूबसूरती कायम रखने के लिए हम बेशुमार क्रीमें इस्तेमाल करने के अलावा दीगर मस्नुआत में भी अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं और ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं, चाहे फिर वो मर्द हो या औरत हो। हर दूसरे दिन वजन पर नज़र रखने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम जो ग़िज़ा लेते हैं इस पर भी गहरी नज़र रखते हैं और स्मार्ट रहने के लिए वर्जिश भी करते हैं। खुद को जवान रखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं और अब इन सब चीज़ों को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में देखें और एक नए तनाजर में इनका जायज़ा लें ताकि हमें हकीकत से आगाही हो सके। क्या हमेशा खूबसूरत और जवान नज़र आना ही सबसे अहम है? क्या हमारी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद है? ये नाम नहाद प्रोडक्ट्स आपके चेहरे की शिकनों को गायब कर देती हैं और आपकी उम्र को मख्फी रखती हैं। इस हवाले से हमारा नज़रिया ये है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, आप फितरत को अपने काबू में नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सुपर पावर अल्लाह ने हर बात के लिए एक प्रोसेस मुकर्रर किया है। तो हम इंसानों की क्या मिजाल कि हम इसमें मुदाखलत करें? क्या उम्र का बढ़ना एक कुदरती और फितरी अमल नहीं है? हम चाहे जितनी कोशिश करें इस अमल को रोक नहीं सकते। उम्र की बढ़ोतरी को रोकने की बजाय हमें चाहिए कि हम इसकी हकीकत को तस्लीम कर लें और पुरवकार अंदाज में ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ाएं। कोई भी हमेशा के लिए जवान नहीं रह सकता, तो फिर क्यों ना फितरत को अपना लिया जाए। अगर हम यहाँ ये कह रहे हैं कि फितरत को अपना लिया जाए तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि दीगर अवामल की तरफ से भी आंखें बंद कर ली जाएं। सेहतमंद रहना ज़रूरी है, वज़न पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वज़न के बढ़ने से जो दीगर बीमारियां लाहक हो सकती हैं इनसे बचा जा सके और हमारी बढ़ती उम्र हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी वबाल ना बने। उम्र का बढ़ना ज़िंदगी की एक नागज़ीर हकीकत है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हर किसी को मौत आनी है। इस सच्चाई से लड़ने के बजाय अच्छा होगा कि हम इसे दिलो जान से तस्लीम कर लें और पुरवकार अंदाज में इसे कबूल कर लें। ज़ाती तौर पर हम समझते हैं कि अगर हम हमेशा जवान रह सकते हैं तो ये एक रहमत की बजाय ज़हमत होती है। नाज़िम, हम ये कैसे बर्दाश्त कर लें कि हम जब महफिल में हों तो अपनी बेटियों की बेटी लगें, ना ही हम ये चाहेंगे कि अपनी हम असरों में हम एक फालतू शय नज़र आएं। वक्त आने पर हम अपनी बढ़ती उम्र को कबूल करेंगे, हम अपनी उम्र के मुताबिक नज़र आना पसंद करेंगे, हम अपने चेहरे की झुर्रियों और सफ़ेद बालों की लटों पर फ़ख्र करेंगे और ज़िंदगी जिस तरह हमारे सामने आएगी उसी तरह उसको कबूल करते जाएंगे। ये खुद से अहद कर लेंगे तो आपका जो दिल है वो हमेशा मुतमिन रहेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। एक और अहम बात, अगर हमारे बालों में चंद सफ़ेद बाल झांकने लगते हैं तो खौफ के मारे हमें शोर नहीं मचाना चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि बस अब ज़िंदगी का इख्तिताम होने वाला है, बल्कि हमें सफ़ेद बालों को मैच्योरिटी की लामत समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम अक्लमंद हो गए हैं, अब हमसे कोई हमाकत नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके कि उम्र छुपाने की खातिर चेहरे पर 10 तरह की मसनवात लगाकर खुद को तमाशा बनाया जाए, बेहतर होगा कि अपनी उम्र के मुताबिक लिबास पहनकर लोगों में आएं और इन्हें ये एहसास दिलाएं कि हम बढ़ती उम्र को नहायत पुरवकार अंदाज में कबूल कर रहे हैं और इससे आपकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा होगा।